नेटवर्क। देखिए मनीषा, ये पूरे देश की बहन थी। आज जिस तरह उसके ऊपर अन्याय हुए हैं, जिस तरह अत्याचार हुए हैं, इस सबसे बड़ी बात यह है कि ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इस मानसिकता के खिलाफ हमें काम करना पड़ेगा, वरना इसी तरह माता बहनों के ऊपर अन्याय होते रहेंगे, दलितों के ऊपर अन्याय होते रहेंगे। और अब वक्त अभी अगर इस देश का जो प्रशासन है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो हमें ही अपने बहनों को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मार्ग निकालना पड़ेगा। ये सवाल भी होता है, निर्भया हत्याकांड के बाद भी काफ़ी साल लग गए न्याय मिलने के लिए, क्या लग रहा है केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट नाकाम रही है? देखिए, हम इसमें हम ये नहीं कहते कि न्याय बहुत जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन न्याय की एक सिस्टम होती है, इन्वेस्टिगेशन की एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम से ही काम होगा। न्याय भले थोड़ा लेट मिलेगा चलेगा, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। वो आरोपी बरी नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा हमारे कुछ लोग इतने एक्साइटेड होते हैं और इतने जल्दी बोलते हैं कि रास्ते पे फांसी दो, कभी बोलते हैं उसको जल्दी 3 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर या कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बहुत जल्दी उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये देश है, भारत देश है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सिस्टम से ही काम चलेगा। हमको न्याय चाहिए। न्याय व्यवस्था जो है, जो उसमें काम कर रहे हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का जो फर्ज है, वो फर्ज भी उनको अदा करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही उन्होंने सब कुछ घपला कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन इतना डाइवर्ट कर दिया है, जो एविडेंस था वो एविडेंस को ख़त्म कर दिया गया है, अगर इस तरह से पुलिस प्रशासन ही काम करेगी, जिनके ऊपर लोगों का भरोसा है, तो लोग क्या करेंगे? सवाल ये भी खड़ा होता है, 3 तलाक के लिए प्रावधान पास कर दिया, कानून पास कर दिया, क्या लगता है बलात्कार के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं तैयार की जाती, क्यों जल्दी सजा नहीं दे पाती सरकार? देखिए, कई मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए हैं और कई मामलों में फास्ट ट्रैक से सजा भी मिल गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बलात्कार जो कहते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। ब्रूटल होता है, जो ब्रूटल मर्डर होता है, बलात्कार करके जो उसकी हत्या कर दी जाती है, जो वो भी ब्रूटल तरीके से, वो अलग होता है, उसको तो फांसी होनी है। अब तो कई मामले ऐसे भी चलते हैं, जो बच्ची होती है, उसकी उम्र 16 साल होती है, खुद से किसी के साथ लड़के के साथ गई हुई रहती है, उसको भी 376 लगाया जाता है। तो सभी को एक नज़र से देखा नहीं जाएगा, लेकिन जो ब्रूटल मर्डर है, उसको ब्रूटल मर्डर के हिसाब से ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखना चाहिए और उन लोगों को फांसी होनी चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है। योगी सरकार मनीषा को न्याय दिलाने में विफल नजर आई, तो भीम आर्मी किस तरह से पूरे मुंबई और मुंबई के बाहर किस तरह से प्रोटेस्ट करेगी? देखिए, योगी सरकार ने अभी उसको जो करना है उसने कर दिया। 2-3 दिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ का एविडेंस फिनिश कर दिया है, बराबर है। पुलिस ने जो काम करना था पुलिस ने काम कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, उनका काम उनका हो गया। डीएम एसडीएम अभी भी वहीं पे है। अब सीबीआई की जांच, योगी सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच करेंगे, उसके बावजूद जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है बोबड़े साहब, उन्होंने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है। इस भारत देश में कम से कम न्याय व्यवस्था पे हमारा भरोसा है, अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। सीबीआई की जांच होगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में ही होनी चाहिए, ये हमारी कहन। अगर न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी पूरे जो 85% कहते हैं ना, बहुजन बहुजन बहुजन, हम बहुजनों को जागरूक करेंगे और ऐसा जागरूक करेंगे कि 85% लोग पूरे रास्ते पे उतार देंगे हम। चंद्रशेखर जी पूरी तरह से यूपी सरकार के ऊपर विरोध कर रही है, मुंबई में किस तरह से विरोध और होगा? मुंबई में ये हमारा 7वां कार्यक्रम है। आज मैं मुंबई का अध्यक्ष दीपक हनवते मैं बोल रहा हूँ, और जिस दिन घटना हुई, जिस दिन से शुरुआत हुई, उस दिन ही मैंने फेसबुक पे कहा था, आज के बाद मुंबई में हर रोज आंदोलन होगा, और इस आंदोलन का हम इतना तेज करेंगे। मैंने कहा अभी 85% बहुजनों को रोड पे उतारेंगे, उसके लिए हम रात दिन एक करेंगे और करेंगे ही। और जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस मामले के बारे में? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की जो मानसिकता है,
एक बहु बेटी को जिस तरह से ब्रूटल मर्डर किया जाता है, उसकी जबान काटी जाती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती है, तो उसके पीछे मानसिकता क्या है, ये कहां से पैदा हुआ है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, इस देश की जो संस्कृति है, इस संस्कृति लोग वो बड़े बड़े नाचते हैं, हमारी संस्कृति क्या संस्कृति है, टोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये यहाँ की संस्कृति कहती है। तो दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी निकलेगी कब? सबसे पहले इस देश का संविधान है। बाबा साहब कहते थे फर्स्टली आई एम इंडियन, लास्टली आई एम इंडियन, ये सभी भारत के सभी नौजवानों को और सभी नागरिकों के दिमाग में बात बैठनी चाहिए, तब जाके ये भारत सही तरीके से चलेगा, सही तरीके से लोकतांत्र चलेगा। रुक। देखिए, ये हमारा शांततापूर्वक आंदोलन है, हमने लॉन्ग मार्च निकालने का ठान लिया था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने हमको कोविड का कारण दे के हमें वो परमिशन नहीं दिया, इसलिए हमने ये शांततापूर्वक आंदोलन किया है। लेकिन अगर मनीषा को न्याय नहीं मिलता है, जलदगति न्यायालय में अगर उसका खटला नहीं चलता है, तो उत्तर मुंबई में रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। संकल्प युनिटचे मोहसिन भाई आलेले आहेत, तसेच फाइट फॉर राइट फाउंडेशनचे विनोद घोलप असतील, आमचे रमेश पवार आहेत, सर्व प्रतिष्ठित समाजातील व्यक्ती या ठिकाणी आपला आक्रोश व्यक्त करणार आहेत। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जहाँ पे ये घटना हुई है, वहाँ के उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री वो भी अकेले है, और हमारे देश के जो पंत प्रधान है वो भी अकेले है। इसके लिए एक बेटी का जो दर्द होता है वो उनसे उनको पता नहीं है, वो महसूस नहीं कर पा रहे। आज पूरा देश जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड के जैसा हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, आज एक दलित की लड़की पे जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में जो पूरा सारा देश इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं चलता है कि इनके पास बहन माता बहन नहीं है, इसके लिए उनको दर्द नहीं पता चलता, इसलिए इसका अभी तक हल नहीं निकल रहा। नहीं तो हमारी जो बहन पे आज अत्याचार हुआ है वो अमानुष है, जो मानवता के कलंक लगाने वाला अत्याचार है। जिस तरीके से हमारी मनीषा वाल्मीकि पे जो अत्याचार हुआ है, बलात्कार करने के बाद उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद आधी मरी हुई हालत में छोड़कर खेतों में फेंक के जाने वाले, उनको लगा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारी बहन जिगरबाज थी, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में उन दरिंदों का नाम भी दिया है, और दरिंदों का नाम देने के बावजूद इस पर कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक पर जो अदालत होती है उस पर अभी तक नहीं लाया जा रहा है, और सारे के सारे जितने भी सबूत थे जिस तरीके से उन्होंने मिटाने की कोशिश की है, हम वंचित बहुजन आघाड़ी ने इसके खिलाफ़ मांग की है कि वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ की सरकार सारे इस केस में दोषी है। सिर्फ ये दरिंदे ने दरिंदेगिरी नहीं की है, ये पूरा प्लानिंग है, सारे सरकार ने मिलकर एक छोटी जाति के यहाँ पे जाति व्यवस्था जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उस जाति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उच्च वर्णियों ने सारे कलेक्टर आईएएस आईपीएस से लेकर सारों ने इसमें मिली भगत करते हुए रातों रात जो हमारी बहन का अंतिम संस्कार किया है, हम उसका निषेध व्यक्त करते हैं, और आने वाले दिनों में अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो हम इससे बढ़कर इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम निर्देशन करेंगे, और उत्तर प्रदेश में हम इस आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में
अकार्यक्षम सरकार होने के कारण वहाँ पे ताबड़तोब राष्ट्रपति राजवट लागू कर कर वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया करने की हम मांग करते हैं। यूपी में हिंसक घटना के बाद मुंबई में भी तरह तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में दीना जी है, वहाँ होने के नाते उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से घटना हुई दीना जी, क्या लगता है आपको हिंसा में कितनी शर्मसार घटना है?